जो देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर, खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कोविड संकट में टेस्ट का बाजार, कई स्थानों पर लूट, आवारा मवेशियों से परेशान, 45 आयु वर्ग का टीकाकरण आज। आइए आप खबरें देखते हैं विस्तार से। कोविड संकट में टेस्ट का बाजार, कई स्थानों पर लूट। कोविड संक्रमित मरीज बीमारी से लड़ते हुए महंगे टेस्ट कराने को मजबूर हो रहे हैं। दूसरी ओर उपचार और दवाइयों के लिए भी जूझना पड़ रहा है। मरीज को लूट से बचाने के लिए जिला प्रशासन ने जांच दस्ते तैयार किए हैं, लेकिन इसका फायदा होता दिख नहीं रहा है। कोविड के चलते मरीज को एंटीजन, आरटीपीसीआर सहित सीबीसी, सीआरपीडी, डी डाइमर, एलएफटी, केएफटी आदि टेस्ट कराने पड़ रहे हैं, परंतु विभिन्न निजी लैब में जांच के लिए अलग अलग शुल्क लिए जा रहे हैं। कुछ लैब में दो गुना शुल्क लेने से मरीज परेशानी में है। पहली लहर की तुलना में दूसरी लहर में कोविड संक्रमितों की संख्या 6 गुना बढ़ गई है। इसके साथ ही मृत्यु की संख्या भी बढ़ गई है। अप्रैल महीने में मरीज को अस्पताल में बेड तक मिलना मुश्किल हो गया था। कोविड उपचार के लिए आवश्यक दवाइयों का किल्लत होने की कालाबाजारी में बढ़ गई है। कोई रास्ता नहीं होने से मरीज के परिजनों को मजबूरी में ही अधिक कीमत में दवा खरीदनी पड़ रही है। तो वही दूसरी ओर आवारा मवेशियों से परेशान। शहर में लॉकडाउन की वजह से पहले की तुलना में भले ही सड़क पर वाहन कम दिख रहे हैं, लेकिन आवारा मवेशियों से समस्या अब भी बरकरार होने से वाहन चालक बेहद परेशान हो रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान मनपा का संबंधित विभाग भी आवारा मवेशियों पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। इस वजह से शहर के अधिकांश मार्गों की सड़क पर आवारा मवेशी खड़े दिखाई दे रहे हैं। इससे हादसे का खतरा बढ़ गया है। गत दिनों शहर के कई इलाकों में आवारा मवेशियों की वजह से वाहन चालकों के दुर्घटना का शिकार होने की शिकायतें भी मिली है। बावजूद इसके मनपा प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। तो वही तीसरी ओर 45 आयु वर्ग का टीकाकरण आज। 45 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों का शनिवार 15 मई को टीकाकरण होगा। संबंधित उम्र के लाभार्थियों को दोनों डोज लगेगी। राज्य सरकार की तरफ से टीके का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध होने की वजह से दूसरी के साथ अब पहली डोज लेने वालों को भी प्राथमिकता दी जा रही है। मनपा के 96 केंद्रों पर टीकाकरण होगा। मनपा की अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी ने बताया कि मेडिकल कॉलेज प्रभाकर दत्त के मनपा महाल रोग निदान केंद्र में कोवैक्सीन की दूसरी डोज ही लगाई जाएगी। वही 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के टीकाकरण को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। उनके अनुसार केंद्र सरकार की नई नीति के तहत अब कोविड शील्ड की दूसरी डोज 12 से 16 सप्ताह के बीच ही लगाई जाएगी। सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे के बीच टीका लगाए जाएंगे। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एमएनएस न्यूज लाइव पर। नमस्कार।